मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने एक नया इस्लामी कानून हिंदुस्तान में लागू किया, जिसका निशाना सबसे पहले वह लोग बने जिनके बारे में राय थी कि वे इस्लामी कानूनों का पालन नहीं किया करते हैं। इसकी एक दिलचस्प मिसाल इटालियन ट्रैवलर निकोलो मानुचे ने लिखी है। वो कहते हैं कि जब औरंगजेब के दौर में संगीत पर प्रतिबंध लग गया तो काफ़ी सारे संगीतकारों और गवैयों की रोजी रोटी बंद हो गई, जिससे तंग आकर 1000 कलाकारों ने जुमे के दिन जामा मस्जिद के बाहर जुलूस निकाला और बाजों को जनाजे की शक्ल में रोते पीटते गुजरने लगे। औरंगजेब ने देखा तो पूछा, ये किसका जनाजा लिए जा रहे हो जिसके लिए इस कदर रोया पीटा जा रहा है? संगीतकारों ने कहा कि आपने संगीत का कत्ल करा है, उसी को दफनाने जा रहे हैं। जिस पर हिंदुस्तान के बादशाह ने कहा कि कब्र जरा गहरी खोदना ताकि दोबारा कभी भी ना उठ पाए।